भारतीय इतिहास का मध्यकाल मुगल शासकों से अटा पड़ा है। शायद इसी कारण मध्यकाल मुगल काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भारत अनन्य वीरों की धरती है। इसी समय भारत में कई ऐसे वीर भी पैदा हुए जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। ऐसे ही एक शासक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें सम्राट हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू ने लगभग 350 सालों के मुगल शासन को उखाड़कर हिंदू राज्य की स्थापना की। सम्राट हेमू का दिल्ली की गद्दी पर पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ राज्याभिषेक हुआ। मुगलों को कड़ी टक्कर देने वाले हेमू असल में एक साधारण से व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर दिल्ली सहित भारत के एक बड़े इलाके को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा व्यापारी भारत का सम्राट बना और कैसा था उनके सम्राट बनने तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं। सम्राट हेमू का जन्म साल 1501 में हुआ था। ये वो समय था जब दिल्ली पर हुमायूं की हुकूमत थी। उम्र की युवावस्था आते आते हेमू ने नमक के व्यापार की दुनिया में कदम रखा। इनके पिता मुगलों से परेशान होकर मेवात से रेवाड़ी आकर रहने लगे थे। इस समय तक शेरशाह सूरी का दबदबा दिल्ली के आसपास के इलाकों में बढ़ रहा था और उसे युद्ध के लिए बारूद की जरूरत थी। ऐसे में पिताजी के साथ मिलकर हेमू ने शेरशाह सूरी के साम्राज्य को अनाज और बारूद बेचना शुरू कर दिया। फिर 17 मई 1540 को कन्नौज के पास बिल ग्राम में एक भयंकर युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। इसी के साथ मुगल शासक हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और दिल्ली की सत्ता पर सूरी वंश का आधिपत्य हो गया। उधर हेमू ने रेवाड़ी में धातु के हथियार बनाने का कारखाना खोल दिया। 25 मई 1545 को शेरशाह सूरी ने अपना सारा राजपाट अपने दूसरे बेटे जलाल खान को सौंप दिया। पद संभालते ही जलाल खान को सलीम शाह सूरी की उपाधि दे दी गई। सलीम शाह ने बंगाल से लेकर सिंधु तक पिता द्वारा कब्जाई गए क्षेत्र के बीच एक सराय का निर्माण करवाया और साथ ही अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर ग्वालियर बना दिया। सलीम शाह के मुताबिक दिल्ली के मुकाबले ग्वालियर ज्यादा सुरक्षित स्थान था। सलीम शाह के शासनकाल के दौरान हेमू को इस बाजार या सराय का मुख्य अधीक्षक बना दिया गया। कुछ समय बाद सलीम शाह ने अपने 12 साल के बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, मगर सलीम शाह के भतीजे ने ही उसके बेटे की साजिश के तहत हत्या करवा दी और खुद राजगद्दी का वारिस बन गया। अपनी ताजपोशी के बाद वह आदिल शाह सूरी के नाम से जाना गया। आदिल शाह ने धोखे से राजगद्दी तो हथिया ली, लेकिन उसके पास सल्तनत को संभाल पाने की काबिलियत नहीं थी। इसके चलते आदिल शाह ने हेमू को अपना वजीर नियुक्त कर दिया और पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी हेमचंद्र को सौंप दी। सुल्तान द्वारा मिले कार्यों को हेमू ने बखूबी निभाया और पूरे राज्य के कार्यभार को संभाला। इसी बीच हेमू ने गवर्नर जुनेद खान पर विजय हासिल करके न सिर्फ राजा के विश्वास को सुदृढ़ किया, बल्कि इससे सेना में हेमू का रुतबा भी बढ़ गया। इसी समय आदिल शाह काफी बीमार पड़ गया। वो इस कदर बीमार पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। सुल्तान की यह बीमारी उसके दुश्मनों के लिए सल्तनत को कमजोर करने का एक मौका बन गई, जिसके चलते कई अफगानी राजाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस वजह से सूर शासन डगमगाने लगा। सूर साम्राज्य के राजाओं के आपसी टकराव के चलते विशाल सूर साम्राज्य 4 भागों में बढ़ गया। हालातों को बिगड़ते देख आदिल शाह ने अपनी राजधानी चुनार स्थानांतरित कर दी। साल 1555 में आगरा के गवर्नर इब्राहिम सूरी ने आदिल शाह पर हमला करके उसे हरा दिया और आगरा व दिल्ली को उसने अपने कब्जे में ले लिया। अब आदिल शाह के पास केवल मालवा का क्षेत्र ही बचा था। इसी तरह कुछ समय बाद लाहौर के गवर्नर सिकंदर सूरी ने इब्राहिम सूरी पर हमला करके उसे हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली, आगरा और पंजाब के एक बहुत बड़े इलाके पर सिकंदर सूरी की हुकूमत कायम हो गई। इधर इब्राहिम सूरी ने एक बार फिर से आदिल शाह की ओर कूच कर दिया। इसके जवाब में आदिल शाह ने हेमू के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को मुकाबले के लिए भेजा। युद्ध के दौरान हेमू की सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया।
और इब्राहिम की सेना को एक नहीं बल्कि दो बार पराजित किया और आखिरकार इब्राहिम सूरी को हेमू के खौफ के कारण ओडिशा की तरफ भागना पड़ा। इब्राहिम पर फतेह हासिल करने के बाद हेमू के निशाने पर बंगाल का गवर्नर मोहम्मद सूरी आया, जिसे हेमू द्वारा दिसंबर 1555 में छप्पर गाथा के युद्ध में हराकर उसके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की गद्दी एक बार फिर से बदलने वाली थी। दिल्ली फतेह की मंशा लेकर हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर हमला कर दिया। युद्ध के मैदान में हुमायूं और सिकंदर सूरी का आमना सामना हुआ और नतीजतन हुमायूं ने युद्ध में जीत हासिल करके एक बार फिर दिल्ली, आगरा और पंजाब पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया और खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। इसी बीच साल 1556 आते आते हुमायूं की मौत हो गई। इस समय अकबर अपने सरंक्षक बैरम खां की निगरानी में पंजाब में था। दूसरी तरफ हुमायूं की मौत की खबर आदिल शाह के लिए एक बड़ा मौका थी। इसके चलते आदिल शाह ने हेमू के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को दिल्ली पर कूच करने के लिए भेज दिया। दिल्ली में हेमू की सेना ने मुगल गवर्नर तारदी बेग खान को आसानी से हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी के साथ दिल्ली पर एक बार फिर से आदिल शाह की हुकूमत थी, लेकिन आदिल शाह के तौर तरीकों और अय्याशियों से हेमू खुश नहीं था। हेमू अपनी ताकत के बल पर बड़ा हाकिम बन चुका था। उसका सामना करने की ताकत अब किसी में नहीं रही। अब दिल्ली की सियासत पलटने वाली थी। हेमचंद्र ने सबसे पहले अफगानियों में मुगलों की लूटी हुई राशि और हाथी बांटकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया और फिर आदिल शाह के खिलाफ बगावत करके 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। राजगद्दी मिलने के बाद दिल्ली के पुराने किले में हेमू का राज तिलक किया गया। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया और दिल्ली में 350 सालों के मुगल शासन के बाद आखिरकार हिंदू हुकूमत कायम हुई। हेमू ने दिल्ली में अपनी सत्ता मजबूत करते ही हिंदुओं की ताकत बढ़ाने के लिए दिल्ली के आसपास की कई जागीरें अहीर और गुज्जर जनरलों के नाम कर दी। इसी तरह उन्होंने सूरी राजवंश के एक बड़े भाग पर राजपूत जाट और बनियों को भारी मात्रा में नियुक्तियां देनी शुरू कर दी। सम्राट हेमू के इस काम से कुछ अफगानी नाराज थे, पर हेमू ने उनको भी नाराज नहीं किया। हेमू ने उनको भी दरबार में महत्वपूर्ण पद सौंपे। सम्राट हेमचंद्र ने अपने पूरे जीवन में आदिल शाह के दुश्मनों से कुल 22 लड़ाइयां लड़ी। सम्राट हेमू के शासन काल के दौरान उनके पास एक बड़ी सेना और 1500 हाथी थे, जो किसी भी सेना को ध्वस्त कर सकते थे। इधर बैरम खां चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने युवा अकबर की अगुवाई में दिल्ली के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जो इतिहास के बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदानों में आमने सामने आई। फिर शुरू हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। युद्ध में सम्राट हेमू खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वह अपने हवाई नामक हाथी पर सवार होकर अपनी सेना को नेतृत्व दे रहे थे। दूसरी तरफ बैरम खां और अकबर युद्ध के मैदान से 8 मील दूर बैठे थे। शुरुआत में तो सम्राट हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान अचानक एक तीर सम्राट हेमू की आंख में आ लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गई। सम्राट हेमू ने जब तीर को आंख से खींचकर बाहर निकाला तो तीर के साथ उनकी आंख भी बाहर निकल कर गिर गई। इतनी पीड़ा के बावजूद वह लगातार दुश्मनों से लड़ते रहे। दुश्मन सैनिक धीरे धीरे हेमू को अपने इलाके में ले गई, जहां उन्हें खान जमान ने बंदी बना लिया। युद्ध में जीत की घोषणा के लिए बैरम खान ने अकबर से हेमू का सर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन अकबर हिम्मत नहीं जुटा पाया और वह पीछे हट गया, जिसके चलते बैरम खान ने खुद ही सम्राट हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ दिल्ली में आखिरी हिंदू शासन का अंत हो गया। हेमू के 80 वर्षीय संत पिता को भी मार दिया गया। उनके पूरे वंश को एक एक करके मार डाला गया। पानीपत की विजय के साथ दिल्ली में अकबर का शासन लागू हुआ और उसे जलालुद्दीन अकबर की उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के पानीपत युद्ध का पूरा वीडियो देखना चाहे तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।